दिनांक 18 जुलाई 2024 को मानगढ़ पर महा सांस्कृतिक महासम्मेलन रैली का आयोजन हो रहा है। इसमें आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है, जैसे आप बलिप्रति परिचित है, ये प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है आदिवासी समुदाय के द्वारा, और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस मानगढ़ कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सारे भाई शांतिपूर्वक तरीके से आए, ट्रैफिक का ध्यान रखें, कोई भी गाड़ियों को इधर ओवरटेक नहीं करें, और साथ ही कोई भी साथी उस कार्यक्रम में शराब का सेवन, नशा का सेवन करके नहीं आए। आप इस उद्देश्य को समझे, मानगढ़ गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। गोविंद गुरु महाराज ने क्षेत्र में भक्ति को लेके, नशा मुक्ति को लेके काफी अभियान चलाया था। हमारे पुरखों का, हमारे गुरुओं का जो सपना है गिरिराज कायम करने का, इस क्षेत्र के अंदर नया प्रदेश बनाने की, जो आजादी से पहले से जो लंबे समय से जो डिमांड चल रही थी, इस क्षेत्र के अंदर मामजी महाराज, संत सुरमा महाराज, गोविंद गुरु महाराज, हम सब इन क्षेत्र में इन महाराजों के, इन गुरुओं के जो एज ए अनुयायी के रूप में है, तो हम सब इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, इनके विचारों को फॉलो करना है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कल मानगढ़ जो कार्यक्रम आयोजित होना है, सभी साथियों को पहुंचना है, लेकिन सभी को शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचना है। कोई भी साथी शराब का सेवन नहीं करें, और बाई चांस कोई असामाजिक तत्व किसी के द्वारा पार्टी पॉलिटिक्स को लेके या उस कार्यक्रम को बदनाम करने को लेके कोई इधर किसी को भेजता है शराब पी के, अपन को पता चल जाए कि व्यक्ति शराब पी के आया है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो तत्काल पुलिस प्रशासन को, हमारे वॉलंटियर को सूचना करे कि व्यक्ति ऐसा है। इसलिए आप सभी इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि इस कार्यक्रम को बिगाड़ने में कई लोग लगे रहेंगे। हमें सावधानी पूर्वक पहुंचना है, शांति पूर्वक पहुंचना है, नशे पत्ता नहीं करना है, और साथ ही नशे पत्ते वाले लोगों से दूर रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः कल 18 जुलाई 2024 मानगढ़ की इस महारैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, जोहार, आभार, जय भी गुरुदेश।